कराची एक्सपो सेंटर में 10वीं सालाना पाकिस्तान एक्सपो नुमाइश के इफ्तिताह के बाद एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद पर वज़ीरे आला सिंध ने कराची वालों की तर्जुमानी की। कल देख के वो गाना याद आ गया था मुझे, एक पुराना है ना कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, नाम पता नहीं क्या है, नाम जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद आगे बात करेंगे। वज़ीरे आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि दोनों जमातें वसवसों का शिकार हैं। टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था, आपस में ही कह रहे थे, कोई कहता कि नहीं जी एमक्यूएम खत्म नहीं हुई, एमक्यूएम है, दूसरा कहता नहीं एमक्यूएम खत्म हो गई है, नई पार्टी बनेगी, कोई कहता था पीएसपी होगी। तो अब जरा क्लियर हो जाए बात तो फिर जवाब देंगे, पहले वो खुद क्लियर हो जाए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था दोनों जमातों के इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो पॉलिसियां बनाई हैं इस पर अमल किया। एग्रीकल्चर पॉलिसी दी थी, अब भी हमारी वही पॉलिसी है जो दी थी, कम्प्लीट की थी। बेरोजगार लोगों से वायदा किया था उनको रोजगार दिया, जिनको निकाला गया था उनको वापस लाए, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन थे 2.5 लाख उनको कंफर्म किया, जो प्रोग्राम दिया था वो पूरा किया, अब भी जो देंगे वो पूरा करेंगे। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ वलीद अहमद, 24 न्यूज़ कराची।